नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये बिजनेस रहेगा। आप गांव से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है, कितना पैसा आता है वो मैनेज करना है, पैसा कितना आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इस बिजनेस से आप हर महीने लाखों और करोड़ों रुपये तक कमा सकते हैं। बहुत सारे बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़े बड़े कंपनी इस बिजनेस में आ गए हैं और बहुत जबरदस्त आप पैसा कमा रहे हैं। आप इस बिजनेस को कर सकते हैं अपने ही शहर में, अपने ही कस्बे में, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए को मान के चलिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा बात करें, एक छोटे शहर में आप इसे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। एक बड़े शहर में अगर आप चाहें तो वहां पर भी आप इसे इतने ही पैसे में शुरू कर सकते हैं। चलिए अभी बताता हूं मैं आपको क्या बिजनेस है। तो यहां पर जब हम चलते हैं तो आप ये देख रहे हैं कोचिंग सेंटर। घबराइए मत, मैं आपको पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ाएंगे या आप कोचिंग देंगे। अगर आपको पास कुछ भी नहीं आता है आप तब भी इस काम को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने लिखा है टॉपर्स को काम में लगाइए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो 5 से 10 हज़ार रुपये में ही आपको 2 से 3 घंटे की क्लास दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, 5 से 10 हज़ार के बीच। मैं मानता हूँ कि 10 हज़ार में आपने 5 से 7 टीचर 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से आपने पकड़े हैं, करीब करीब 70 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो जाता है, 3 घंटे का टाइम वो देते हैं। आपने एक पूरा मकान किराए पे ले लिया है जिसका किराया 20 हज़ार रुपया है, कुल मिला के 90 हज़ार रुपया हो गया। उससे अलग बिजली पानी सब मिला के अगर आप 10 हज़ार रुपये का खर्चा और लगाते हैं तो कुल मिला के हो जाता है आपका 1 लाख रुपये का खर्चा। अब आप बात आती है कि मैंने आपको 1.5 लाख और 2 लाख का क्यों बताया। ये स्टार्टिंग का खर्चा है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार देना पड़ेगा, अपने जो लोकल होता है लोकल टीवी चैनल पे आप देख सकते हैं 1 महीने के लिए, घर घर में पैम्पलेट वगैरह आप पहुंचा सकते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, आप होर्डिंग्स वगैरह लगा सकते हैं। कुल मिला के पहले 3-4 महीने आपका खर्चा होगा अच्छा। सबसे पहले आप जैसे ही आपके दिमाग में ये आइडिया आए कि किस तरह से है, क्या होगा, तो आपको सबसे पहले अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर देनी है। धीरे धीरे करके बच्चे आपके पास आते रहेंगे। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपके पास फंड होना चाहिए करीब कम से कम 6 महीने के लिए। 6 महीने आपको ये सोच के चलना है कि आपके पास एक भी बच्चा नहीं आएगा और आप ये खर्चा बियर कर पाएंगे, ये खर्चा चला पाएंगे, तभी आप जाके इस बिजनेस में सक्सेस होंगे। आप पहले एक शहर से शुरू कीजिए और एक शहर में मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, आपके पास कम से कम 1000 से 2000 बच्चे आ जाएंगे जब आप हर तरह की कोचिंग दोगे, हर सब्जेक्ट की कोचिंग दोगे, हर एंट्रेंस की कोचिंग दोगे, हर क्लास की कोचिंग दोगे, तो आप ये देखिएगा कि आपके पास बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। अगर मैं 1000 बच्चों की भी बात करूं और यहां से सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये की बात करूं तो भी यहां पे 5 लाख रुपये होते हैं, आपका खर्चा आएगा 1.5 से 2 लाख रुपया, तो यहां पे आप 3 लाख रुपये हर महीने बचा सकते हैं। हाँ, ये आपको पहले महीने नहीं आएगा, कुछ लोगों का कमेंट्स आएगा कि पहले महीने इतने, तो इतने बच्चे होने थोड़ा सा बड़ी बात है, लेकिन कोई असंभव काम नहीं है। आप बहुत सारी जगहों पर इंस्टीट्यूट देखोगे तो मैं आपको इंस्टीट्यूट के नाम दिखाता हूँ, जिनमें से कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम, तो ये इंस्टीट्यूट की आपको बड़े बड़े शहरों में आपको हर जगह ब्रांच मिल जाएगी और हर जगह कम से कम 500-700 स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके का काम आप कर सकते हैं यहाँ पर, जबकि एंट्रेंस का ही एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, IIT, JEE, मेडिकल एंट्रेंस, इस तरह के एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, नॉर्मल क्लासेस की तैयारी यहाँ पे नहीं कराते, लेकिन इनका 6 महीने का और 1 साल का कोर्स भी बहुत महंगा होता है, बहुत ही महंगा होता है। तो यहाँ पर अगर आप फीस की बात करेंगे तो हमने जो फीस आपको बताई है ये बहुत ही मिनिमम सी फीस बताई है, 500 रुपये महीना, जबकि 500 रुपये महीना आज के हर सेकेंड और थर्ड क्लास के बच्चे के ट्यूशन के ले लेते हैं। तो आप इस फीस को 1000-1500 रुपये भी अपने हिसाब से कर सकते हैं बड़े। कुछ बहुत से जगहों पे क्या होता है कि पैकेज होता है, आपने जैसे देखा होगा कि IIT, JEE या मेडिकल एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है उसके लिए, या बैंक का जो एग्जाम होता है उसके लिए पैकेज होता है कि हमने 25,000 का पैकेज रख दिया, हमने 20,000 की पैकेज रख दी, कि इसमें जब तक आप अपना एंट्रेंस क्लियर नहीं करते तब तक आप रेगुलर क्लासेस लगा सकते हैं।
उसमें से बहुत सारे बच्चे पहले 6 महीने में निकल जाते हैं, बहुत सारे एक एक दो दो साल भी रहते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि 2 साल की फीस आपने उन पे से पहले ही ले ली है और 1000 रुपये के हिसाब से ले ली है, तो आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगानी है अपनी कि आप किसने से शुरू करेंगे। एक मकान आप जो लेंगे उसमें कम से कम 4 से 6 कमरे होने चाहिए, और आपको एक नॉर्मल सिटी में 4 से 6 कमरों का मकान, 6 कमरों का जिसमें अच्छे बड़े बड़े कमरे हों, 30,000 रुपये में बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप इतना ही बड़ा ऑफिस लेने जाओगे तो ऑफिस आपको 1 लाख और 2 लाख में मिलेगा कम से कम। हाँ, जहां पर थोड़ा सा शहर से हटके अगर आप लेंगे तो आपको बहुत सस्ते में मिल सकता है, वो गांव हो या सॉरी वो आपका मकान हो या आपकी दुकान शॉप हो। आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का अगर आप ये मकान लेंगे तो ऐसा मकान अलग से डेवलप होता है, बहुत जगहों पे आपको मिल भी जाता है, बेसमेंट वगैरह में आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं। करना क्या है, जो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जॉब करने के लिए तैयार हैं और एंट्रेंस एग्जाम देना होते हैं उनके पास तक अपना पैम्पलेट पहुँचाने हैं। हम पुलिस की तैयारी कराते हैं, हम आर्मी की तैयारी कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, मेडिकल की, IIT की, JEE की और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, हम उनकी तैयारी कराते हैं। हम प्लस टू को फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं और भी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ पढ़ाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग दी जाती है, हम 10th तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये इस तरह से आपको ऐड देनी है और आपके यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आपके कॉल भी आनी शुरू हो जाएंगी। आप फैसिलिटी रखिए, आप अच्छे से अच्छे बैठने की जगह वहाँ पे दीजिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जो आपने सबसे बड़ी बात जो आपने टीचर चुने हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड, कम से कम MSc BSc, जो 12th को या 10th तक को पढ़ा रहे हैं वो BSc, और जो इससे ऊपर को पढ़ा रहे हैं कम से कम MSc और इससे हाई क्वालिटी के होने चाहिए, हाई क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए और बहुत अच्छे वो प्रोफेशनली होने चाहिए। आपको ऐसे टीचर लेने हैं, हो सकता है आपके शुरू के 1-2 महीने आपको घूमने फिरने में ही लग जाए कि कैसे किस तरह से शुरू करें, लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगा और लाइफ टाइम चलता रहेगा। रिजल्ट अगर आपके यहाँ से इंस्टीट्यूट से आएंगे तो आप देखिए, ये मैंने अभी आपको एक लिस्ट दिखाई थी इंस्टीट्यूट्स की, तो इंस्टीट्यूट ने सभी ने पहले एक एक जगह से शुरू किया है और उसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़े करते चले गए हैं। आज के टाइम पे अगर आप इन बिजनेस की इनकम देखोगे तो कम से कम कई करोड़ रुपए हर महीने की इनकम होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी कि बिजनेस क्या करना है, किस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ बिजनेस आपको अच्छा भी लगा होगा क्योंकि लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस है। उम्मीद करता हूँ कि एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है आपको छोटी छोटी सी, उसके बाद आपकी फीस में से ही निकल जाएगा, आपको सारी चीज़ ये भी समझ में आई होगी। हर तरह से आप इस बिजनेस में प्रॉफिट में रह सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग में मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।